नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के दो ऐसे यूजफुल ट्रिक बताऊंगा जो दोनों ही यूजफुल ट्रिक्स है, जिसमें दूसरा ट्रिक जो है वो व्हाट्सएप का न्यू अपडेट है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। देखिए व्हाट्सएप को ओपन कर लिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम अपने थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप स्टेटस को अपलोड करते हो और स्टेटस को अपलोड करने के बाद अगर आप चाहते हो कि कोई खास आदमी ही आपका स्टेटस को देख सके, तो इसके लिए आप यहां से थ्री डॉट पे क्लिक करोगे और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां पे सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में जाने के बाद यहां पे अकाउंट में जाओगे और अकाउंट में जाने के बाद यहां पे ऑप्शन है ऊपर में प्राइवेसी का, तो प्राइवेसी में जाओगे और प्राइवेसी में जाने के बाद नीचे पे एक ऑप्शन है स्टेटस का, यहाँ स्टेटस पे क्लिक करोगे और आप सबसे यहाँ नीचे में एक ऑप्शन है ओनली शेयर विथ, तो आप इसे क्लिक कर लोगे और ओनली शेयर विथ को जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका पूरा जो है आ जाएगा, जितने भी आपका नंबर कॉन्टैक्ट में सेव है उस तरह से आप जिसे भी स्टेटस अपना दिखाना चाहते हो उसे यहाँ से आप क्लिक कर दोगे। इस तरह से जिसे जिसे दिखाना चाहते हो वहाँ से आप इसे क्लिक कर दोगे यहाँ से। तो इस तरह से जिस जिसको आपने टिक किया वही आदमी आपके स्टेटस को देख सकेगा और अदर आदमी को आपका स्टेटस शो नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अपने स्टेटस को अपने किसी खास फ्रेंड को दिखा सकते हो। और दोस्तों जो व्हाट्सएप मैंने कहा था कि व्हाट्सएप का दूसरा ट्रिक जो मैं बताऊंगा जो कि बिल्कुल न्यू अपडेट आया है व्हाट्सएप में, आप किसी का भी व्हाट्सएप नंबर लेते हैं तो फिर आपको व्हाट्सएप नंबर लेना पड़ता है, लेकिन अब इसमें एक ऐसा अपडेट आया हुआ है जो आप बिना व्हाट्सएप नंबर लिए आप उसके व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से थ्री डॉट पर जाएंगे, थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग का, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ सबसे ऊपर में दिख रहा है एक लोगो ये बार आइकॉन का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसा कर ऑप्शन आएगा और आप इसे स्कैन जैसे ही कर देंगे यहाँ से तो आपका व्हाट्सएप दूसरे के मोबाइल में ओपन हो जाएगा और वहाँ से वो डायरेक्ट मैसेज सेंड कर देगा। अगर आप भी किसी के व्हाट्सएप को ऐसे बिना नंबर लिए स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ स्कैन मोड में जाएंगे और यहाँ से आप उसके व्हाट्सएप को ऐसे ही क्यूआर कोड निकाल के यहाँ से जैसे स्कैन कर देंगे और यहाँ ओके करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा और उसका व्हाट्सएप डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और इससे आपका नंबर सेव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।